हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में और फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दो ऑफिशियल नोटिस जो रेलवे की तरफ से सामने आए हैं आज 24 नवंबर 2023 है और लंबे इंतजार के बाद एक रियल नोटिस यहां पे देखने को मिला है तो क्या है पूरा अपडेट चलिए ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए नोटिस जो मैंने डाउनलोड किए हैं उसको दिखाता हूँ और अभी शुरुआत है इसके बाद भी आपको ऐसे बहुत सारे नोटिस देखने को मिलेंगे तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पूरा अपडेट देख लेते हैं उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए तो देखो यहां पर जो पहला अपडेट है ये बेसिकली नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज की तरफ से है आपकी जानकारी के लिए बता दूं अभी कुछ दिन पहले जो है प्रयागराज का एक नोटिस वायरल हो रहा था थर्ड डीवी के रिगार्डिंग जिसमें काफी सारे स्टूडेंट के जो रोल नंबर हैं वो दिखाए गए थे और बोला जा रहा था कि जो आपका प्रयागराज है उसने थर्ड डीवी के लिए जो है लिस्ट जारी कर दी है कुछ स्टूडेंट का कहना था कि वो लिस्ट वेबसाइट पे आई थी लेकिन वेबसाइट पे उसको हटा दिया गया था तो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि वो हो सकता है कि सही भी हो अगर वो सही होगी तो वो फिर से आपकी वेबसाइट पे आ जाएगी तो यहां पर प्रयागराज ने बेसिकली अपना अपडेट दे दिया है थर्ड डिवी के रिगार्डिंग अगर बात करें तो पूरी तरह से रियल है वेबसाइट पर अवेलेबल है जाके आप लोग देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है सी एनआरआरआर के अंतर्गत तृतीय चरण के दस्तावेज सत्यापन संबंधित महत्वपूर्ण सूचना यानी कि थर्ड डी के लिए नोटिस इन्होंने जारी किया है स्टार्टिंग में वही बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है मेन जो पॉइंट है मैं आपको बता देता हूं थर्ड डीवी जो स्टार्ट हो रहा है उसकी डेट यहां पे दी है एक दिसंबर चार दिसंबर और पांच दिसंबर को रेल भर्ती प्रकोष्ठ प्रयागराज कार्यालय में कराया जाना सुनिश्चित किया गया है ठीक है अब ये थर्ड डीवी में जो स्टूडेंट हैं वो कैसे पता लगेगा वो भी आगे आपको बताऊंगा उससे पहले यहां पर ये नोटिस आप जाके वेबसाइट पे भी देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो सारी चीजें यहां पर बताई है और पूरा ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर जारी हो चुका है तेईस ग्यारह दो का ऑफिशियल नोटिस है यानी कि कल की डेट का नोटिस है वेबसाइट पर आ चुका है तो फाइनली यहां पर रियल नोटिस आ चुका है इससे पहले प्रयागराज का फेक नोटिस आया था उसको फेक ही कहेंगे क्योंकि वो वेबसाइट

फर्स्ट डीवी में सेलेक्ट हुए थे स्टूडेंट और पांच पैनल यहां पे जारी हो चुके हैं अभी तक और पांच पैनल जारी होने के बाद अगर मैं बात करूं तो लगभग आप कह सकते हैं यहां पर चवालीस सौ चौहत्तर के करीब स्टूडेंट का पैनल आ चुका है और अगर पूरी कैलकुलेशन करें तो लगभग एक सौ निन्यानवे सीट यहाँ पर अभी वैकेंट है जिसके लिए ये थर्ड डी जारी होना है तो इसमें लगभग आपके एक सौ निन्यानवे स्टूडेंट हो सकते हैं वैसे पूरे एक सौ निन्यानवे तो नहीं होंगे कुछ कम होंगे मान के चलो कि सौ से डेढ़ के बीच में स्टूडेंट जो है वो इसमें रहने की उम्मीद है थर्ड डी की जो लिस्ट आएगी और उसके बाद जो नेक्स्ट डी है उसमें बचे हुए स्टूडेंट को लिया जाएगा तो ये पूरी कैलकुलेशन अब चलिए दूसरे अपडेट की तरफ भी बढ़ते हैं दूसरे अपडेट की बात करें तो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे की तरफ से ये अपडेट आया है और सेंट्रल रेलवे ने जो है थर्ड डी का जो कट ऑफ है वो यहाँ पे जारी कर दिया है देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं जब 2018 वाली वैकेंसी का प्रोसेस चल रहा था तो सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे की तरफ से 12 से 14 या फिर 15 तक भी डीवी देखने को मिले थे तो यहाँ पर जो है बड़ा जोन है नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा होती हैं तो काफ़ी सारे डी वी पे होते हैं तो थर्ड डी के लिए कट ऑफ यहाँ पर इन्होंने जारी कर दिया है और कट ऑफ का जो वेरिएशन है वो भी आप लोग देख सकते हैं ठीक है और ये जो लिस्ट है थर्ड डी वालों की वो पहले ही आ चुकी थी लेकिन इन्होंने कट ऑफ बाद में जारी किया है ठीक है अभी देखो यहाँ पर जो है फर्स्ट डी में यू की बात करूँ था सेकंड डीवी में सिक्सटी सेवन पॉइंट थ्री सिक्स था और थर्ड डीवी तक आता था सिक्सटी सेवन पॉइंट जीरो वन कट ऑफ हो चुका है और अभी इसके बाद भी यहां पे आपको कम से कम फोर्थ और फिफ्थ डीवी तो कंफर्म देखने को मिलेगा और बाकी जैसे जैसे आगे स्टूडेंट जॉब छोड़ेंगे तो और डीवी भी आपको देखने को मिल सकते हैं एस की बात करें तो एस का फर्स्ट कट ऑफ था उसके बाद सेकंड डीवी थर्ड डीवी में एस वाले स्टूडेंट नहीं बुलाए गए एस की बात करूं तो पचपन से चौवन पॉइंट सत्तर पर आ चुका है थर्ड डीवी में कट ऑफ ओबीसी की बात करें तो सड़सठ पॉइंट पच्चीस से सड़सठ पॉइंट जीरो एक तक कट ऑफ आ चुका है और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ डिक्रीज नहीं हुआ है बाकी यहाँ पर एक्सर इसमें सी सी और पीडब्ल्यूबीडी की लिस्ट आप लोग देख सकते हैं तो सेंट्रल रेलवे की तरफ से भी जो है कट ऑफ को लो किया गया है स्टूडेंट को बुलाया गया और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ लगभग सभी जोन में ठीक है बहुत सारे जोन के आरटीए टीए मैं आपको दिखा चुका हूं बहुत सारे जोन के आरटीए टे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में है सभी जोन में ऐसा देखा जा रहा है कि एक एक डिवीजन में ही काफी सारे जो स्टूडेंट हैं एक डिवीजन का मतलब है कि जो है एक डिवीजन में पचास से साठ स्टूडेंट एबसेंट हो रहे हैं चार से पांच डिवीजन होते हैं ठीक है दो से तीन जो सीट्स हैं हर जोन में ऐसी ही वैकेंट जा रही है अब इन इनपे जो है रिप्लेसमेंट डीवी आता है बाद में तो जो भी स्टूडेंट बाउंड्री मार्क्स पर है वो बिल्कुल टेंशन ना ले उसका यहाँ पर चांस पूरा पूरा बनता है जैसे जैसे आगे डीवी बढ़ेंगे बाकी आपकी कोई क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं